में क्या होता है कि मैक्सिमम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग पहले प्रीलिम्स के बाद पढ़ेंगे जीए या फिर करंट अफेयर, बट डिफिकल्ट इज कि जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा उसके कुछ दिनों बाद, 15 से के मुश्किल से 20 दिन के बाद हमारा क्या देखने मिल जाएगा, मेंस देखने मिल जाएगा। तो बहुत कम समय मिलता है हमको जनरल अवेयरनेस पढ़ने के लिए। करंट अफेयर पढ़ना तो बहुत आसान है, बट सबसे बड़ा डिफिकल्ट क्या है कि उसको रिमाइंड करना, याद रखना बहुत लंबे समय तक, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है हमें ऑप्शन कन्फ्यूजन लगना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अपन ट्राई करेंगे धीरे धीरे यहाँ से पढ़ना, अपने कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, तो जब हम लास्ट में करंट अफेयर पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी और हमारे मैक्सिमम स्कोर अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो करंट अफेयर की पकड़ होगी वो उतना अच्छा स्कोर करेगा, उसे उतनी अच्छी क्या मिलेगा, बैंक मिलेगी, ये उसका अच्छा रैंक आएगा। नेक्स्ट होता है इंटरव्यू। तो आपको सबको पता है कि इंटरव्यू क्या करता है, हमें सिलेक्शन दिलाता है, हमें ऑफिसर बनाने में काम आता है। तो वहाँ आपका कम्युनिकेशन चेक किया जाएगा, साथ में आपको बैंकिंग का कितना नॉलेज है वो चेक किया जाएगा। इसीलिए इंटरव्यू किसी को पास करना है तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर का तो टॉपिक आपको पता होना चाहिए। जहाँ तक करंट अफेयर की बात करें तो कुछ टॉपिक क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं और कुछ होते हैं बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। तो वो हमें तभी समझ में आएगा जब हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, हमें पता हो इन्फ्लेशन क्या होता है, बैंक्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसलिए तो हमको वो समझना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हमारा जो पहला टॉपिक है बैंक्स की हिस्ट्री के बारे में जानना है कि आखिर बैंक होता क्या है, पहले क्या था और अभी क्या देखने मिल रहा है, क्या पहले भी बैंक हुआ करते थे कि नहीं थे, ये सब के बारे में हम लोग आज की क्लास में जानेंगे। तो हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखने का ट्राई किया कि भाई हमारे इंपॉर्टेंस कहाँ पर है, फिर आखिर समझते हैं कि बैंक क्या है, क्या हमारे भारत में पहले के ज़माने में बैंक हुआ करते थे और अभी जो बैंक है क्या वो अलग है कि नहीं, सेम कंसेप्ट है कि नहीं, सब समझते हैं आराम से, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग है तो कहानी जैसे अपन शुरुआत करने का ट्राई करेंगे। क्या पहले के ज़माने में बैंक हुआ करते थे क्या? हाँ हुआ करते थे, लेकिन वो क्या थे, हमारे भारत में अनऑर्गेनाइज फॉर्म में देखने मिलते थे। आपने सुना होगा कि पहले के ज़माने में साहूकार होते थे, जमींदार होते थे, महाजन होते थे, मुनि होते थे। वो लोग क्या करते थे, उनके पास अच्छा खासा मनी जमा रहता था, तो वो कोई गरीब इंसान है, कोई किसान है, खेती, किसी को शादी करना है तो उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती थी, तो वो इनके पास जाते थे और पैसा मांगते थे। तो ये लोग क्या करते थे, 50%, 20% इसके हिसाब से वो ब्याज पे लोन देते थे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये कहीं पर रिटर्न नहीं होता था, क्योंकि हमको क्या है, इंसान को क्या है, पैसे की क्या है नीड है, इसलिए वो हर उसकी कंडीशन मान लेता था कि भाई मैं 50%, 100%, 20% पर देने को तैयार हूँ। साथ में इसके पास कुछ ना कुछ सिक्योरिटी जमा करता था, अपने घर के पेपर, जमीन जायदाद के जो भी आपको खेती के मिलते थे वो जमा करता था। तो प्रॉब्लम क्या होती थी, यदि कोई हमारा साहूजन है या महाजन है, यदि वो पर्सन बहुत अच्छा है तो उसको उतने ही टके से ब्याज वसूलेगा और उसको प्रॉपर पैसा देगा और उतना पैसा जब वापस रिटर्न करने से सिक्योरिटी भी रिटर्न करेगा। बट दिक्कत क्या होते थे, कुछ लोग लालची होते थे तो वो लोग क्या करते थे कि इनसे सिक्योरिटी हड़पने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज वसूलते थे, और एक दिन या कुछ दिन भी लेट होगा तो क्या करते थे, पूरी सिक्योरिटी जब्त कर लेते थे। तो ऐसे में ये इंसान क्या होता था कि मतलब एक बार लोन लेने के बाद वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो चूंकि ये कोई ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं था, कहीं पर अपील नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमारे यहाँ पहले चलता था लेकिन वो क्या था, अनऑर्गेनाइज फॉर्म में था। अब आगे जानते हैं कि हमारे भारत में ऑर्गेनाइज फॉर्म में कैसे आया, कब पहला बैंक बना, किस प्रकार से उसका रीजन था, वो जानेंगे आज के क्लास में। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है, तो हमारे देश के भी सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, आरबीआई। ये अलग से चैप्टर है, इसको अपन बाद में जानेंगे, उसका कोई भी लोड नहीं है। हाँ, ये है अपना प्यारा भारत। तो अपने प्यारा भारत है तो उसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे भारत में बैंकिंग हिस्ट्री पहुंची। तो ये आप लोग मैप देख रहे होंगे, वर्ल्ड का मैप है, अलग अलग महाद्वीप देख रहे होंगे, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट मिल रहा होगा, ये साउथ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है अपना एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया और ये हमारा हो जाएगा यूरोप। ठीक है, अब चूंकि हिस्ट्री है तो अपन कहानी से शुरुआत करते हैं, तो अपन एक कहानी के थ्रू जानते हैं कि किस प्रकार से भारत में पहला बैंक आया। तो यदि आपको नोट डाउन करना है तो आगे जाके आप नोट डाउन कर लीजिएगा और आपको समझना है तो सुन लीजिएगा। अब ये है आपको इटली, आज के समय में इटली की राजधानी क्या है, रोम। ठीक है,
आपको पता होगा इटली की करेंसी क्या है, यूरोस। ये हमको बेसिक किसी भी कंट्री के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी कैपिटल करेंसी हमको पता होना चाहिए बैंकिंग में, और साथ में वहाँ का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट यदि कोई करंट अफेयर में रहा तो उसके बारे का नाम पता होना चाहिए। अब इटली फेमस था क्या? हाँ बिल्कुल फेमस था, सबको याद होगा G20 समिट हुआ था, उनकी प्राइम मिनिस्टर आई थी जॉर्जिया मेलोनी, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं वो अच्छे रिश्ते हमारे पहले से बहुत अच्छे। अब इटली में एक व्यक्ति था मार्को पोलो। अब कहानी की शुरुआत होती है 1200 AD तक। अब पहले के ज़माने में गूगल वूगल तो था नहीं कि हम पूरी दुनिया के बारे में पता लगा सके क्या सही है क्या गलत है। तो मार्को पोलो ने बोला चलो दुनिया घूमते हैं, तो एक काम करते। तो उसने धीरे धीरे ट्रैवल करते 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 कहाँ पहुँच गया? ये पहुँच गया चाइना। तो कुछ समय चाइना में रहने के बाद उसने क्या देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, डिफरेंट है, कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, फूड अलग है। तो यहाँ पर कुछ समय बिताने के बाद उसे पता चला कि चाइना के वेस्ट में यहाँ पर एक सोनी की चिड़िया बोल के एक देश है, उसको बोलते थे हिंदुस्तान या भारत। अब उसने सुन के रखा था तो चलो ट्रैवल करते हैं। तो मार्को पोलो चाइना से होते हुए धीरे 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 समुद्र की मार्ग से हमारे नीचे साउथ की तरफ जो आज का आंध्र प्रदेश है वहां पहुंचा। अब आंध्र प्रदेश में पहुंचते ही उसे उस समय की डायनेस्टी थी काकतीय डायनेस्टी। अब साउथ में जाने के बाद वहां के कल्चर से लैंग्वेज से उसने जान पहचान किया, और उसे वहां पर एक अनोखी चीज मिली, वो थी स्पाइसेस, मसाले। एज यू नो कि भाई यूरोप क्या है, ठंडा देश है, तो वहां मसाले होते नहीं है बिल्कुल, और हमारे भारत में खासकर साउथ एशिया में मसाले सबसे ज्यादा मिलेंगे। और दुनिया में आज भी सबसे ज्यादा मसालों वाला कंट्री कौन सा है? भारत है। अब मसाले किसने यूजफुल होते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, एक तो बॉडी के करेंगे, वार्म करेंगे, उसके अलावा क्या होता है साथ में ये बॉडी को वार्म करने के अलावा हेल्दी भी रहते हैं। तो मार्को पोलो ने बोला क्यों ना इन मसालों का हम ट्रेड करते या व्यापार करते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ट्रेड करना। अब ट्रेड करने के लिए किस प्रकार से ट्रेड किया जाए, 2 सेकंड, बैटरी भी कम, नहीं वो हो जाएगा। हाँ तो थोड़ा सा स्क्रीन का प्रॉब्लम हो गया था, आगे देखते हैं। शायद कहानी अपनी कुछ स्टार्ट हुई थी क्या, मार्को पोलो तक कहानी सबको सुनाई दी थी। हाँ मैप में, तो अपना मार्को पोलो कहाँ से निकल गया, इटली से कहाँ, चाइना, चाइना से कहाँ आया उसे इंडिया, इंडिया में क्या मिला उसे, मसाले मिले। इतना सबको समझ में आया था, सबको मतलब ऑडिबल था उस समय, भले विजिबल ना था लेकिन ऑडिबल तो सबको बराबर होगा। तो मार्को पोलो ने देखा कि यार इन मसालों का ट्रेड किया जाए, बट क्या पहले के ज़माने में ट्रेड करना आसान था क्या? क्या पहले के ज़माने में एरोप्लेन हुआ करते थे क्या? नहीं, तो डिफिकल्ट था कि भाई ट्रेड कैसे करे करके।
क्या पैदल या घोड़े से आकर ट्रेड कर सकते हैं मसालों का? ये तो बहुत डिफिकल्ट पड़ता, रास्ते में रिवर है, माउंटेन है, तो ये तो इम्पॉसिबल हो जाता। अब एक ही रास्ता था, क्यों ना यूरोप से समुद्री मार्ग से कहाँ पहुंचा जाए, भारत पहुंचा जाए। बट किसी ने पहले कोई रास्ता देखा था क्या? नहीं देखा था। अब केवल अंदाजा लगा सकते थे कि भाई ये है यूरोप, यूरोप के ईस्ट में क्या पड़ता है, हिंदुस्तान या भारत बोल के देश पड़ता है। तो सबसे डिफिकल्ट होता है कि बिना मैप के ट्रैवल करना, तो पहले कंपास का यूज करते थे। आप खुद एग्जाम सोच सकते हो कि यदि आपको बिना गूगल मैप के कहीं जाने बोले तो बहुत डिफिकल्टी होगी, 10 लोगों से 100 लोगों से पूछना पड़ेगा। अब कैसे पहुंचा जाए, किसी को रास्ता नहीं पता था, तो एक व्यक्ति था, उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, आपने नाम सुना होगा, स्पेन का व्यक्ति था। उसने बोला कि भाई दुनिया क्या है, गोल है, दुनिया गोल है। तो यदि भारत ईस्ट में है और किसी को रास्ता नहीं पता, तो एक काम करता हूँ, मैं वेस्ट से ट्रैवल करता हूँ और ट्रैवल करने के बाद धीरे 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 पहुंच जाऊंगा। और जब वो ट्रैवल करा समुद्री मार्ग में, तो ये आपको दिख रहा है कैरिबियन आइलैंड, आपने जमैका, त्रिनिदाद टोबैगो या फिर बारबाडोस या क्रिस गेल, आंद्रे रसेल, इनका नाम सुना होगा। अब चूंकि मार्को पोलो कहाँ आया था, साउथ में आया था, और साउथ में रहने वाले लोगों का जो कलर होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा आपको हल्का सा डार्क देखने मिलेगा। तो जैसे ही इस कैरिबियन आइलैंड में पहुंचा, तो उसे क्या लगा कि मैं कहाँ पहुंच गया, हिंदुस्तान या इंडिया पहुंच गया हूँ। इसीलिए आज इस आइलैंड के जो ग्रुप रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेस्ट इंडीज, कि एक इंडिया कहाँ पर है, ईस्ट में है, और एक इंडिया कहाँ पर है, वेस्ट में। तो वेस्ट इंडीज कोई कंट्री नहीं है, छोटे छोटे आइलैंड को मिला के क्या बोलते हैं, वेस्ट इंडीज। और आगे जाके अमेरिका की भी खोज किसने की, क्रिस्टोफर कोलंबस ने की 1490 के बाद। ओके, तो ये कहानी अपन पहुंच गए 1490 तक। तो मतलब वो निकला था भारत की खोज में, पहुंच कहाँ गया, यूएसए। अब स्पेन के बगल में एक छोटा सा देश आपको दिखाई दे रहा होगा, वो है पोर्तुगल, ठीक है। पोर्तुगल की कैपिटल है अपने लिस्बन, और एक फेमस वहां पर फुटबॉल प्लेयर होता है हमारा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब यहां पर एक व्यक्ति था वास्को डी गामा, तो ये 1496 में अपने 150 साथियों के साथ धीरे धीरे ट्रैवल करते 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 इस प्रकार से ये अफ्रीका में एक छोटा सा पोर्ट है, उसका नाम है केप टाउन, वहां पहुंच गया। तो आप सोच सकते हो कितना लंबा ट्रैवल और कितना समय लग गया होगा, क्योंकि भाई मैंने बताया कि ओशन में ट्रैवल करना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा तो नहीं कि गूगल मैप में दिखा दे कि भारत के लिए राइट है कि लेफ्ट है, आगे जाओ, ऐसा कोई था नहीं, तो डिफिकल्ट था। अब किसी ने उसकी हेल्प की, एक गुजरात का नाविक था, और उसकी मदद से वास्को डिगामा धीरे धीरे ट्रैवल करते हुए कहाँ पहुंचा, केरल। केरल की राजधानी, केरल में एक जगह था उसका नाम था कालीकट, और वहां का राजा था उसका नाम था जुमोरिन। और पहुंचा कब वो, 1498 में। तो जो एसएससी का तैयारी करते हैं उनके लिए पूछता है कि वास्को डी गामा कौन से ईयर में भारत पहुंचा, तो 1498। तो अपने तो बैंकिंग के लिए तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बचपन में हमको गलत रटाया गया था कि भारत की खोज किसने की, भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा 1498, बट गलत है। यूरोप से लेके भारत तक के समुद्री मार्ग का पता किसने लगाया, वास्को डी गामा, क्योंकि भारत तो पहले से था, तो खोज क्या करोगे उसकी। तो वो जो गलत गलत थ्योरी है उसको अपन को दूर करना है। अब जुमोरिन जैसे ही देखा कि भाई कोई बाहर से फॉरेनर आया, ऊपर से गोरा व्यक्ति, तो अपने यहाँ तो कल्चर है अतिथि देवो भव वाला, उसने मस्त स्वागत वागत किया, सुबह उसको अच्छा नाश्ता वास्ता खिलाया, कोकोनट पानी, इडली डोसा, और मस्त उसको घुमाया। तो जब वास्को डी गामा बहुत समय तक रहा है, तो 1-2 महीने के बाद वापस जब जब जा रहा था पुर्तगाल, तो जुमोरिन ने क्या कर दिया, उसे बहुत सारे मसाले दे दिए। आज भी सबसे ज्यादा मसाले केरल कर्नाटक का साइड मिलेंगे आपको, कार्डमम की हिल्स है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, अलग अलग मसाले। तो वास्को डी गामा ने क्या किया, इन मसालों को जाके क्या कर दिया, यूरोप में जाके बेच दिया। और बेचने के बाद उसे पता है कितना प्रॉफिट हुआ, इसके 2-3 साल का आने जाने का खर्चा था, उसको निकाल दे तो कितना फायदा हुआ, 60 टाइम्स। तो आप सोच सकते हो कितना फायदा हुआ होगा,
यदि उसके आने जाने का खर्चा 1 लाख भी है तो फायदा कितना हुआ होगा, 60 लाख। तो जैसे आज के समय में हमारे भारत में क्या है, गोल्ड की डायमंड की डिमांड है, बिकॉज हमारे भारत में गोल्ड है क्या? नहीं, जो थे वो सब रॉकी भाई ने यहाँ समुद्र में गिरा दिया। अब देखेंगे आगे क्या होता है। डायमंड हम कहाँ से लाते हैं, रशिया से, बेल्जियम से लाते हैं। केवल यहाँ पर कटिंग कहाँ पर होती है आपकी, सूरत में, इसलिए इसको डायमंड सिटी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि डायमंड सिटी सूरत में तो डायमंड बहुत निकलते होंगे, नहीं, केवल पॉलिशिंग होती है, कटिंग होती है, बट हम मंगाते कहाँ से, रशिया और बेल्जियम से। तो उसकी कितनी महंगे मिलते हैं, गोल्ड कितना महंगा हो गया, डायमंड कितना महंगा हो गया। तो आप सोच सकते हो कि जो जिस कंट्री में जो सामान नहीं रहता उसकी डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। और मसालों की इम्पोर्टेंस ठंडी तो में ज्यादा होती है, अभी हमें पता चलेगी। तो धीरे धीरे यहाँ से पुर्तगाल, स्पेन या इंग्लैंड, फ्रांस, सब लोग समझ गए कि भारत की क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ट्रेड करना हम सबके लिए अच्छा होगा। अब ट्रेड करने के लिए क्या होते हैं, प्रॉपर क्या होने चाहिए, पोर्ट्स होने चाहिए। तो उस समय तीन सबसे बड़े पोर्ट थे भारत में, एक था कलकत्ता, एक था बॉम्बे और एक था मद्रास। तो तीन सबसे बड़े क्या थे, पोर्ट थे। क्योंकि भाई आपको ट्रेड करना है तो पोर्ट अच्छे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, जहाँ पर कंटेनर या सामान रख सके, जहाज को भी रख सके, लोग आते हैं ट्रैवल करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी क्या चाहिए था, वैसे पोर्ट चाहिए था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, लोग इन पोर्ट से व्यापार करने लगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब आपको यहाँ पोर्ट से व्यापार करना है तो क्या फ्री में परमिशन मिल जाएगी क्या? नहीं, आपको वहाँ के किंग्स या जो भी रूलर हो गया उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो किंग तो फ्री में परमिशन देगा नहीं, क्या लगाएगा आप पे, टैक्स लगाएगा, लिमिटेशन लगाएगा। तो कहीं ना कहीं इन व्यापारियों को फायदा तो हो रहा था, बट आधा ज्यादा पैसा टैक्स में देने जा रहा था। अब इस बात को अंग्रेज जल्दी समझ गए कि कहीं ना कहीं हमें भारत में रूल करना है या फिर मुनाफा कमाना है तो इन राजाओं से दोस्ती अच्छा कर लो। और भारत में कंडीशन ऐसे बदलती गई धीरे धीरे कि राजा आपस में लड़ते रहे। तो अंग्रेजों ने तो स्टार्टिंग में सोचा हमें केवल व्यापार करना है, तो व्यापार करना है तो कौन रूल करते रहे करके, इसलिए वो मुनाफे पे ध्यान दे रहे थे। बट समय के हिसाब से कंडीशन ऐसी हुई, तो ये घटना हुई 1757। तो बंगाल का जो राजा था वो प्लासी वॉर, उसने जीतने के लिए क्या कर दिया, अंग्रेजों से हेल्प ले ली। आगे जाके फिर एक कंडीशन और आई 1764, ये था बैटल ऑफ बक्सर और ये था बैटल ऑफ प्लासी। तो वो अपने एसएससी के लिए अपने लिए काम करने ही होता, ठीक है। लेकिन जो अपना जो बैंकिंग सिस्टम में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था वो था 1764, बैटल ऑफ बक्सर। और इसके बाद अंग्रेज जीत गए, और अंग्रेजों ने जीतने के बाद वहां के राजाओं को हराया और बंगाल पे क्या कर दिया, डायरेक्टली कब्जा कर लिया। अब बंगाल में डायरेक्टली कब्जा करने के बाद मुझे बताइए उनके हाथ में क्या लगेगा, कोलकाता पोर्ट लगेगा। तो क्या उन्हें व्यापार करने के लिए किसी प्रकार के टैक्स पे करना है? नहीं। किसी प्रकार का कोई लिमिटेशन है? नहीं। तो फिर इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, अब कलकत्ता से इनका व्यापार बहुत ज्यादा होने लगा, बहुत ज्यादा। अलग अलग कंट्री को सामान भेजते थे, जहां जहां से भारत से लाके, और दुनिया में भेजते थे, पैसा कमाते थे। बट कलकत्ता से यदि कोई बंदरगाह निकलेगा और उसे पूरे यूरोप में पहुंचने में करीबन लग जाते थे 8 महीने से लेके 1 साल, क्योंकि पहले जहाजों की स्पीड स्लो थी। इसका मतलब यदि मैंने आज व्यापार किया है तो 1 साल में सामान पहुंचेगा, सामान ट्रेड होगा, मुनाफा आएगा। तो यहाँ बैठे व्यक्ति को तो मैं गूगल पे या फोन पे नहीं कर पाऊंगा, तो वही व्यक्ति क्या आएगा, इसी रास्ते से भारत में पहुंचेगा और फिर उस व्यापारी को पैसा देगा तो प्रॉफिट होगा। तो मैंने यदि आज इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे प्रॉफिट कब होगा, 2 साल के बाद। तो तब तक वो व्यापारी क्या करेगा, खाली बैठे तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो ऐसे में क्या हुआ, समय के हिसाब से इनको पैसे की रिक्वायरमेंट और होने लगी, क्योंकि व्यापारियों ने अपना इन्वेस्ट कर लिया पैसा, और लेकिन उसको प्रॉफिट होगा बट 1-2 साल के बाद। तो यहाँ पर उनको एक संस्था या इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट हुई, जहां पर एक संस्था बनाई गई, इंस्टीट्यूशन बनाया गया, कि जो रिच पर्सन है, जिनके पास पैसा ज्यादा है, वो इस संस्था में पैसा जमा करे, डिपॉजिट करे,
उन्हें कुछ परसेंटेज के साथ हम क्या दे देंगे, पैसा जमा करने देंगे 3 to 4 5% पे। और जिनको क्या है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, जो कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उनको हम क्या दे देंगे, एज ए लोन बांटेंगे ज्यादा परसेंट पे। यहाँ पर 3 4% पे रखने दे दिए, 8 10% पे लोन बांट दिए, और बीच का जो मुनाफा कमाएगी वो संस्था क्या कहलाएगी, हमारी बैंक कहलाएगी। तो बैंक क्या है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, कुछ परसेंट मिलेगा, और वहाँ पर लोन मिलेगा कुछ ज़्यादा परसेंट पे, और जो बीच का मुनाफा कमाएगी उसी को क्या बोलोगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जो पैसों का क्या करती है, इंस्टीट्यूट कराती है। तो बैंक बना। अब धीरे धीरे 1764 के बाद पैसे की जब रिक्वायरमेंट हुई, तो आगे जाके भारत में बनाया गया बैंक, 1770 में भारत का पहला बैंक बना, उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो 1770 में क्या बना, भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। पूछेगा कहाँ बना, तो सीधी सी बात है कि अंग्रेजों ने तो पूरे भारत में कब्जा किया नहीं है, केवल कहाँ कब्जा किया, कलकत्ता में। तो भारत का पहला बैंक कहाँ बना था, कलकत्ता। तो लिख लेना है, यदि जिनको नोट डाउन करना है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज दी फर्स्ट बैंक टू बी स्टैब्लिश इन इंडिया इन 1770 इन कलकत्ता। और यही एग्जाम में आपको पूछता है कि भारत का पहला बैंक कब बना, तो आप नोट डाउन कर लेना 1770। कहाँ बना, तो कलकत्ता, बिकॉज हमको अब कहानी समझ में आ गई। इतना जितना मैंने कहानी बताया था आपको मार्को पोलो से, ये तो आपको समझ में आएगा कि कलकत्ता में ही पहला बैंक क्यों बना। कोई भी चीज को रटना नहीं है, समझेंगे कि भाई ये घटना हुई तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, ये जो बैंक बना उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। इसको बैंक क्यों बोले, बिकॉज ये सब क्या था, ऑर्गेनाइज फॉर्म में था, इसलिए क्या कहलाएगा, वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, तो जिनको नोट डाउन करना है कर लेंगे। बट ये बैंक ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला, 1832 आते आते क्या हो गया, वो फेल हो गया, पैसों की कमी है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वापस यूरोप चले गए होंगे, इसलिए भी, तो ये भी रीजन देखने मिलता है। तो लिख लेना, इट वॉज फेल्ड इन 1832। तो इस प्रकार से भारत का पहला बैंक देखने मिला। अब क्या अंग्रेजों का पूरे भारत में कब्जा हुआ क्या, नहीं, केवल बंगाल तक। अब धीरे धीरे व्यापार बढ़ेगा, तो बंगाल में एक अधिकारी हुआ करता था रॉबर्ट क्लाइव। अब वो सबसे मेन अधिकारी था उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसने 5 साल में इतना व्यापार किया, इतना व्यापार किया, और जब वो वापस ब्रिटेन गया था, तो जब गया तो वहां के करोड़पतियों में इसका नाम हो गया था। तो आप सोच सकते हैं कि इन व्यापार में कितना फायदा हो सकता है, केवल 5 साल उसने क्या किया, काम किया, 5 साल में वहां का करोड़पति, मतलब उस जमाने में करोड़पति, मतलब सोच सकते हो कितना बड़ा पैसा कमाया होगा केवल व्यापार से। आगे जाके समय के हिसाब से, चूंकि बंगाल में ही कब्जा था और पैसे की रिक्वायरमेंट हुई, तो जब पैसे की रिक्वायरमेंट हुई तो आगे जाके अंग्रेजों ने और एक बैंक खोला 1786। उस बैंक का नाम क्या है, जनरल बैंक ऑफ इंडिया। तो लिख लेना, जनरल बैंक ऑफ इंडिया वॉज दी सेकेंड बैंक टू बी स्टैब्लिश इन इंडिया इन 1786। कहाँ बना, तो रटनी वाली बात नहीं है, कहाँ, जहां ट्रेड हो रहा होगा, जहां बंदरगाह है, वही तो हम बैंक खोलेंगे। तो कहाँ खोलेंगे, कलकत्ता में। यदि हमारा ट्रेड मुंबई में हो रहा है, तो क्या नागपुर में बैंक खोले क्या, पुणे में खोले क्या, नहीं, जहां हो रहा है भाई वही खोलेंगे ना, जहां से हमको आसानी से पैसा मिल जाए। इसीलिए जहां ट्रेड हो रहा है वहां पर हमने खोल दिया, दूसरा बैंक भी खोल दिया। तो 1786 में क्या हुआ, हमारे भारत का दूसरा बैंक भी खुल गया, बट ज्यादा समय तक चला नहीं। बट 1791 में क्या हो गया, फेल्ड हो गया। तो जिनको नोट डाउन करना है तो कर लेना, इट वॉज फेल्ड इन 1791। तो यहां तक सबको कहानी समझ में आई कि नहीं आई, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये अपन ने देख लिया, हाँ, तो ये आपको दिख रहा है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ओके, तो
तो वो था आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब आते हैं एसबीआई की तरफ। अब देखते हैं कि एसबीआई कैसे बना, कैसे कैसे बने। तो मैंने बताया कि पूरे भारत में तो अंग्रेजों का कब्जा हुआ नहीं था, तो आगे जाके उनको और बैंकों की रिक्वायरमेंट हुई, तो 1806 में उन्होंने बैंक खोला, बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसको 1809 में रीनेम कर दिया गया बैंक ऑफ बंगाल। तो आपके आईबीपीएस मेंस 2018 में आ चुका है कि बैंक ऑफ बंगाल को कौन से ईयर में रीनेम किया गया, तो आंसर था 1809। तो बैंकिंग एग्जाम में ईयर का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो बैंक ऑफ कलकत्ता था, बस उसका नाम रीनेम हो गया 2 या 3 साल के बाद, 1809। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, धीरे धीरे भारत पे कब्जा करना शुरू किया। 1799 आते आते उन्होंने साउथ में टीपू सुल्तान और हैदर अली को हरा दिया, और 1818 आते आते उन्होंने क्या कर दिया, मराठाओं को भी हरा दिया। तो जब टीपू सुल्तान और हैदर अली और इनको हरा दिया, तो सीधी सी बात है कि यहाँ का जो इलाका था उस पर भी क्या हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा। और कब्जा होने के बाद उनके पास दो चीज लगेंगे, बॉम्बे और मद्रास। तो ये उनके हाथ में लगा। अब हाथ में लगा तो यहाँ से व्यापार करेंगे कि नहीं करेंगे, यस डेफिनेटली करेंगे। तो जब करेंगे तो उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, यस होगी। होगी तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, बैंक खोल देंगे। तो आगे जाके उन्होंने बैंक खोल दिया बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, और आगे जाके उन्होंने क्या कर दिया, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, जहां जहां आपको देखो पोर्ट मिलेंगे उन्होंने बैंक खोलना शुरू कर दिया। अब 1857 आते आते उन्होंने पूरे भारत में कब्जा कर लिया, और समय के हिसाब से लगा कि भाई हमें क्या चाहिए, सेंट्रल बैंक बनाना है। तो वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ तो उनको सेंट्रल बैंक बनाना था, तो उन्होंने क्या कर दिया, तीनों बैंकों को मर्जर कर दिया। और मर्जर करने के बाद 27 जनवरी 1921 को इनको मर्जर करने के बाद, मतलब तीनों को मिलाने के बाद, उसका नाम क्या रख दिया, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और ये बन गया 1921। तो 4 जनवरी 2022 एसबीआई क्लर्क मेंस में पूछा था कि इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कब मर्ज किया गया, या कौन से ईयर में किया गया, तो कौन से ईयर में किया गया, 1921 में किया गया। ठीक है, तो ये आपके भी क्या हो चुकी है, मेंस में आ चुका है 1 नंबर का क्वेश्चन। तो 1921 में इसको क्या कर दिया गया, मर्ज किया गया तीनों को मिलाने के बाद। तो चूंकि ये संस्था किसने बनाई थी, अंग्रेजों ने बनाई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी, तो आगे जाके क्या हो जाएगा, एक वर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेशनलाइजेशन, हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीयकरण। तो जब कोई संस्था क्या होती है, किसी प्राइवेट के पास होती है और सरकार जब उसे मिला लेती है अपने पास, तो क्या हो जाएगी, वो प्रॉपर्टी राष्ट्र की बन जाएगी। तो जब राष्ट्र की बन गई तो क्या बोलोगे, राष्ट्रीयकरण और नेशनलाइजेशन। इस प्रकार से आगे जाके सरकार चाहती थी कि इसको हम अपने पास मिला लें, तो हमने प्राइवेट संस्था से अपने अंदर मिला लिया, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे नेशनलाइजेशन। और 1 जुलाई 1955 एसबीआई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को हमने नेशनलाइज कर दिया, और इसको क्या नाम दे दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ऐसा करने के लिए कमेटी बैठी थी, ये कमेटी का नाम था एडी
गोरे वाला कमेटी। तो गोरे वाला कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद क्या बनाया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का बोल सकते हो कि पहला सरकारी बैंक था। इससे पहले सब प्राइवेट संस्थाओं ने बनाया था। तो कभी जिनका जिनका एसबीआई में अकाउंट होगा और कभी वो बैंक जाएंगे, तो आपको बैंकों में आपको हिस्ट्री में लिखी रहती है हर बैंक की, क्या कहानी है क्या नहीं। तो आपको नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, और नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये पहले तीन बैंक बने, उसके बाद ईयर हमेशा याद करना। बैंकिंग एग्जाम में ईयर का इम्पोर्टेंस बहुत पूछेगा, नाम पूछेगा वो खुद दिया रहेगा, बट पूछेगा तो विच ईयर। ओके, याद रख लिया। तो नेशनलाइजेशन कब हुआ था, हाँ ये डेट भी याद करना है बिल्कुल। ऑप्शन में ऐसा दे सकता है एग्जाम में कि भाई 1955 में कौन से डेट को हुआ, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर होता है वो अभी हुआ है 1 अप्रैल से 31 मार्च, जस्ट लास्ट ईयर 2022 में हुआ, 22 या 21 में हुआ है, ठीक है, 21 में हुआ, मई 2021 में हुआ है। उससे पहले जो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर हुआ करता था 1 जुलाई से 30 जून, इसके वजह से क्या हुआ, 1 जुलाई को नेशनलाइज कर दिया गया। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, तभी हमको फिर समझ में आएगा कि 1 जुलाई को ही क्यों हुआ। रटना नहीं है किसी चीज के लिए, केवल समझना है कंसेप्ट कि भाई वो उसी समय क्यों हुआ, उसके पीछे की कोई ना कोई स्टोरी होगी। तो एसबीआई बन के हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया, और ये भारत का अभी क्या बन जाएगा, सबसे बड़ा सरकारी बैंक। आगे जाके इसमें और भी बैंक क्या हुए, ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया, चेंज करें स्लाइड को। ओके, तो ये देख सकते हो एसबीआई, इसका हेड ऑफिस कहाँ मिलेगा आपको, मुंबई, ठीक है। कौन कौन से बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ होता है वो भी अपन ट्रिक से याद कर लेंगे, कोई चीज को रटना नहीं है। अब हाँ, एसबीआई के बाद पीएनबी के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, एसबीआई हमारा बन के तैयार हो गया, तो आगे भी इससे पहले कुछ ना कुछ बैंक बने होंगे। तो जो दूसरा जो सबसे बड़ा सरकारी बैंक है वो है पीएनबी। बट सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है कि एसबीआई अपना एग्जाम अलग लेता है, और पहले पीएनबी या अलग अलग बैंक अपना एग्जाम अलग अलग लेते थे, बट जब से ऑनलाइन आया तो सरकार ने क्या डिसाइड किया कि आईबीपीएस होगा वो अलग लेगा जो बाकी बचे हुए 11 सरकारी बैंक। तो आज के डेट में हम जो तैयारी कर रहे हैं वो टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक की कर रहे हैं, जिसमें से एसबीआई अपना एग्जाम अलग लेता है और बाकी बच्चों का एग्जाम कौन लेता है, आईबीपीएस। अब उसके पीछे की कहानी क्या समझते हैं, चलो। इसको भी पढ़ेंगे बाद में। अब ये वर्ड दिख रहा है आपको, नेशनलाइजेशन वाला। तो जिनको नोट डाउन कर लेना है, अगला है अपना नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया, कि आखिर में क्या परिस्थिति हुई कि बैंकों का हमें नेशनलाइजेशन करना पड़ा। ठीक है, अब 15 अगस्त 1947 वो गरीब अंग्रेज देश छोड़ के चले गए। अब भारत की स्थिति उस समय बहुत खराब थी, अंग्रेजों ने जितना हो सके भारत को लूटने का ट्राई किया। अभी अपन ने पढ़ा है वास्को डिगामा, तो जब वास्को डिगामा भारत में आया था 1498 में, तो भारत का टोटल ट्रेड में कितना परसेंट कब्जा था, 33। बट जब अंग्रेज चले गए तो कितना कब्जा हुआ ट्रेड ट्रेड पे, वो था 0.33। तो एक पूरा बिंदु उन्होंने ऐड करा दिया, जिससे नंबर ही क्या हो गया, दुनिया के ट्रेड पे हमारा कम देखने मिला। तो समझ सकते हो भारत के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, अंग्रेजों ने पूरे खाने की कमी, पैसों की कमी कर दी। बंगाल में फिनोमिना आया था जहां पर 40 से 50 लोग केवल भूखमरी से मारे गए थे, और इस समय हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, 40 से
45 करोड़ के बीच में थी, और उसमें भी केवल 9% लोग ही पढ़े लिखे थे। बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, खाने पीने की तो कमी थी। और भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और 47 से लेके 62 तक हमारी इकोनॉमी ठीक ठाक बढ़ रही थी। अब लग रहा था कि दुनिया में हम अच्छा खासा काम कर रहे हैं, यूएसए और रशिया के बाद कहीं ना कहीं भारत का डोमिनेंस बढ़ सकता है। बट आपको भी पता है कि जब भी हम अच्छा काम करना चाहेंगे तो कोई ना कोई क्या होते हैं, पड़ोसी होती है जो आपको हमेशा रोकने टोकने का काम करेंगे। अब उस समय जो परिस्थिति ऐसी थी, तब पाकिस्तान एक नहीं था, दो था। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है वो कहलाता था वेस्ट पाकिस्तान, और यहाँ पर भी देखो ध्यान से देखना ईस्ट पाकिस्तान था, और ये था हमारा चाइना। अपन ने मैप देखा भी। अब ये जो इलाका कहलाता है उसको हम लोग बोलते थे तिब्बत, आज भी बोलेंगे तिब्बत अपन, टेंशन नहीं। तो वो तिब्बत था। तो चाइना की आपको पॉलिसी समझ में आती है कि वो दूसरे के इलाकों पे कब्जा करने का सोचता था। तो चाइना ने 1954 में तिब्बत पे अटैक करने का सोचा, बट चूंकि हमारा पड़ोसी देश था तो हमने चाइना से बोला कि आप ऐसा मत करिए एनेक्शन, आप हमारे साथ क्या कर लीजिए, एग्रीमेंट कर लिए। तो इंडिया और चाइना के बीच में क्या हुआ था, 5 साल का पंचशील एग्रीमेंट हुआ था। तो जब पंचशील एग्रीमेंट हुआ तो चाइना ने तिब्बत को छोड़ के रखा, और हमारा हम चाहते थे कि हम चाइना से लड़ाई ना करें, क्योंकि एक तरफ से तो हम घिरे हुए थे। पाकिस्तान से हमारा 1948 में हो चुकी थी छोटी सी बैटल, तो हमें लगता था कि पाकिस्तान यहाँ से भी घेरे है, यहाँ से भी घेरे है, अब यहाँ से भी क्या हो जाए, लड़ाई हो जाए तो फिर हमारी स्थिति तो और खराब हो जाएगी। इसलिए हम बिल्कुल ही नहीं चाहते थे कि हम फालतू की लड़ाई करके बैठे। अब 59 खत्म हुआ, 59 के बाद चाइना ने तिब्बत पे अटैक कर दिया। जी हेलो सर, वीडियो प्रॉब्लम। नॉट ओके ओके, लेट मी चेक वन सेकेंड। चलो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने क्या देखा कि भाई हम तो चाहते थे कि हम शांति से रह करके, अब फिर से प्रॉब्लम हो गया, बिकॉज मैंने बताया कि पाकिस्तान और चाइना दोनों ने हमको दोनों तरफ से था, तो हम चाहते थे कि दुश्मनी ज्यादा ना बढ़े। तो 1959 में चाइना ने क्या किया, तिब्बत पे अटैक करने का प्लान कर दिया, और 59 में तिब्बत पे अटैक कर दिया। और तिब्बत के जो बौद्ध गुरु थे उनका नाम था दलाई लामा। अब वो भागते भागते हमारे भारत में एंट्री किए। तो चाइना ने धमकी दी भाई दलाई लामा को तो भी क्या करना है, अपने यहाँ पर शरण मत देना। ठीक है, अब आगे जाके हमारा चूंकि
सिक्किम के थ्रू वो दलाई लामा सर भारत में आ चुके थे, तो हमने बोला कि अतिथि देवो भव, हम तो अपना क्या करेंगे, धर्म तो निभाएंगे। अब इस बात से चाइना बहुत नाराज हो गया, और हम सोचते भी नहीं थे कि भाई चाइना इतना बड़ा कदम भी ले लेगा, क्योंकि नेहरू जी की पॉलिसी थी क्या, हिंदी चीनी भाई भाई। अब यहाँ पर मैंने बताया दुश्मन तो बैठे ही थे, ये बॉर्डर भी हमें ध्यान रखना है, इधर भी अपना ध्यान रखना है। अब दलाई लामा सर आ गए, और चाइना ने पूरे प्लानिंग के साथ अक्टूबर 1962 पे क्या कर दिया, हम पे अटैक कर दिया, और यहाँ से क्या हो गया, इंडो चाइना वॉर हो गया। अब इंडो चाइना वॉर के बाद कहीं ना कहीं हमारा जो मेन पर्पस था कि हम जो पैसा इकोनॉमी में खर्चा करें, स्कूल में, कॉलेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एम्प्लॉयमेंट में खर्चा करें, डैम में खर्चा करें, अब हम ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ा, हमें यहाँ पर कब्जा करना पड़ा फालतू के वॉर में। और एक महीने के अंदर चाइनीज सोल्जर तो हमारे असम तक, तेजपुर तक घुस गए, तो ये हालत खराब हो गई थी। नॉर्थ ईस्ट की जनता की सुरक्षा करने के लिए नेहरू जी को तो रेडियो में आगे बोलना पड़ा कि हम नहीं कर पाएंगे करके, तो हालत तो बहुत खराब हो गई थी। फिर भला हो रशिया का, रशिया हमारा दोस्त था, फिर अलग अलग कंट्री ने इंटरफेरेंस किया, और तब जाके जो वॉर क्या हुई, शांत हुई। कहीं ना कहीं एक महीने के बाद तो चाइना ने जितना नुकसान करना था कर लिया, और इतने इलाकों पे कब्जा कर लिया, उसको आज के डेट में क्या बोलते हैं, अक्साई चीन, या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल। एक तो होता है लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, LOC हमारा ये पाकिस्तान में होता है, चाइना में होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, ये अक्साई चीन। अब नेहरू जी को इस बात का बहुत बुरा लगा, वो बोलने लगे यार अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तो इसी सदमे में क्या हो गई, मई 1964 में नेहरू जी की क्या हो गई, डेथ हो गई। अब क्वेश्चन उठा कि हु विल दी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि भले ही नेहरू जी इतने लंबे समय के लिए प्राइम मिनिस्टर थे, बट इतने लंबे समय के जो भी रहता है तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। अब भले ही उनकी एक गलती के कारण चाइना वॉर हो गया, तो उसके बाद किसको बनाया गया, अब तक की सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री जी, भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और बहुत ही डाउन टू अर्थ, स्वीट बोल सकते, मतलब इतने जेंटल इंसान थे कि सीधे साधे एकदम। तो आपने बचपन में उनकी कहानी भी सुनी होगी, किस प्रकार से वो स्कूल जाने के लिए नदी पार करके जाया करते थे, कपड़े और बैग को सर में रख के, मतलब कितना स्ट्रगल किया। अब जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया, अपनी बजट को 25% खर्चा किसको दे दिया, डिफेंस को। उन्होंने बोला कि तुम तैयारी ऐसे करो जैसे कल ही युद्ध लड़ना पड़े। अब हम तो चाहते नहीं थे वॉर हो, लेकिन हम अपना सिक्योरिटी पर्पस चाहते थे। अब यहां से पाकिस्तान बोला कि कश्मीर तो हम लोग क्या करेंगे, लेके रहेंगे। तो फिर पाकिस्तान ने अगस्त 1965 क्या चलाया, ऑपरेशन जिब्राल्टर, और उसके तहत उसने कश्मीर पे अटैक करने के लिए पूरी प्लानिंग कर दी, हथियार पूरे उसने यूएसए से मंगा लिया, यूएसए ने पूरा सपोर्ट किया उसको, फाइटर जेट, टैंक वैंक प्रोवाइड किए, और अगस्त 1965 में अटैक करते ही एक और वॉर हो गया, वो था इंडो पाक वॉर। तो एक तो हम लोग पहले से ही चाइना वॉर के बाद स्थिति खराब थी, दोबारा क्या हो गया, पाकिस्तान वॉर। तो धीरे धीरे ये वॉर तो हमें क्या करना पड़ा, हम ना चाहते भी इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ा, तो हम श्रीनगर तक तो उनकी सेना पहुंच गई थी। तो अब हम क्या करें, तो शास्त्री जी ने बोला एक काम करो, यदि वो टैंकों के साथ श्रीनगर जा रहे हैं तो हम अपनी सेना को कहाँ भेज देते हैं, लाहौर। तो जैसे ही हमारी सेना लाहौर गई, तो पाकिस्तान घबरा गया कि भाई श्रीनगर लेने गए थे, लाहौर लुटा दिए। और पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति था अयूब खान, वो भागते भागते किसके पास गया, यूएसए के पास, कि भाई शास्त्री जी ने ये कदम उठा दिया। तो यूएसए के राष्ट्रपति ने शास्त्री जी को कॉल लगाया कि भाई आप अपनी सेना वापस कर दीजिए, तो शास्त्री जी ने मना कर दिया, और इस बात से वो बहुत गुस्सा हो गया। और जब ये चाइना पाकिस्तान वॉर चल रहा था ना, तो इस समय हमारे भारत की स्थिति और भी खराब हो गई। उसी समय हमारे भारत में क्या आ गया, सूखा आ गया, 1965 to 66।
तो जब सूखा आया तो कहीं ना कहीं खाने पीने की और कमी हो गई, तभी शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, कि जो हमारे किसान है बॉर्डर के अंदर लड़ रहे हैं और जो जवान है बॉर्डर में लड़ रहे हैं, तो ये बहुत खराब स्थिति थी। खाने पीने की कमी तो पैसे की और कमी, पहला पाकिस्तान वॉर, इकोनॉमिक डाउन, उससे निकले नहीं थे, फिर ये भी वॉर आ गया, चाइना वॉर, पाकिस्तान वॉर, और एक गरीबी में गीला आटा जैसी स्थिति हो गई। तो आप सोच सकते हो कि हमारी क्या स्थिति होगी, मतलब पैसे की तो बहुत ही कमी हो गई थी। अब यूएसए की बात को हम माने नहीं, तो यूएसए ने किसको कॉल लगा दिया, रशिया को। तो रशिया के राष्ट्रपति ने शास्त्री जी को कॉल लगाया कि आप अपनी सेना को रोको, अभी शांति करते करके। तो भारत के ऊपर में जाओगे तो एक देश है उज्बेकिस्तान, उसकी राजधानी है ताशकंद। तो शास्त्री जी गए, समझौता उमदा हुआ रशिया की मदद से, तो 10 जनवरी 1966 को समझौता हुआ कि जिसकी सेना जहाँ थी वहां पर चले जाएगी। अब शास्त्री जी सोने के लिए चले गए और अगले दिन देखते हैं तो क्या हो गए, ताशकंद में उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अब किसी भी अनजान देश में प्रधानमंत्री की डेथ होना हमेशा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। अब कहते हैं कि जब उनका शरीर भारत में लाया गया तो पूरा नीला पड़ गया था, और पॉलिटिक्स इतनी खराब चीज है कि किसी ने पोस्टमार्टम तक नहीं किया, उनको ऐसे जला दिया गया। और हाल फिलहाल में पता चल ही गया था कि वो यूएसए का हाथ था, तो यूएसए की एक एजेंसी है CIA, तो उसने कहा जाता है कि यूएसए ने 2 सेकंड ना, तो यूएसए ने क्या किया, उनके खाने में जहर देके क्या कर दिया, उनको मार दिया। तो ये मतलब कंडीशन आप समझ सकते हो कितनी वर्स्ट हो गई होगी, कि एक तो प्रधानमंत्री जी, ऊपर से उनकी भी डेथ हो गई, इससे पहले नेहरू जी की डेथ, उसके बाद शास्त्री जी की डेथ। तो अब क्वेश्चन उठा कि अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो उस समय कांग्रेस के चेयरमैन हुआ करते थे, या प्रेसिडेंट बोल सकते, के कामराज, साउथ से थे तो तमिलनाडु से थे, तो उनको उतनी अच्छी हिंदी आती नहीं थी, तमिल और इंग्लिश ज्यादा बोलते थे, तो उनको बोला गया कि आप बन जाओ, बट वो बोले कि मैं नहीं बन सकता करके। तो फिर फाइनली डिसाइड किया गया किसको बनाया जाए, इंदिरा गांधी। तो इसमें लाइन में एक और व्यक्ति थे, उनका नाम था मोरारजी देसाई, आप सुने होंगे मोरारजी देसाई के बारे में। वो भी चाहते थे कि मैं क्या बनूं, प्रधानमंत्री, बट कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स तो अपनी जगह होती रहती है, हर कोई ट्राई करता है कि हम किस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर बन जाए। थोड़ा सा स्क्रीन का प्रॉब्लम चल रहा है, एक बार देख लेते, जैसी फिर आगे कंटिन्यू कर लेते, 2 सेकंड। चलो वापस आते हैं। आपको माइक चालू किया। अब शास्त्री जी की डेथ हो गई, अब किसको प्रधानमंत्री बनाया गया, अगला इंदिरा गांधी जी। तो वो 24 जनवरी 1996 क्या बनी, भारत की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी, इसीलिए 24 जनवरी क्या बनाते हैं हम लोग हर साल, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे बनाते हैं। तो ये डेट को नोट डाउन कर लेंगे कि पूछेगा कि 24 जनवरी क्या बनाते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने शपथ लिया था बोल के। अब 1966 में प्राइम मिनिस्टर बनी, इससे पहले तीन घटना हो चुकी थी हमारी, कौन कौन सी, एक तो चाइना वॉर, फिर पाकिस्तान वॉर और सूखा। तो कहीं ना कहीं हमारी स्थिति खराब हो गई, जो पैसा हम देश की इकोनॉमी में खर्चा कर सकते थे वो पैसा हमने कहाँ खर्चा किया, फालतू के वॉर में।
फिर सूखा आ गया तो सूखे के कारण खाने की कमी हो गई, तो हमें रशिया और यूएसए से गेहूँ चावल बहुत ज़्यादा मंगाना पड़ा। तो फ्री में देंगे नहीं तो हमारा पैसे की और कमी हो गई। अब इंदिरा गांधी बोली मैं देश कैसे चलाऊंगी, तो फिर इंदिरा गांधी ने बोला एक काम करते हैं, नेशनलाइजेशन करते हैं। तो 19 जुलाई 1969 को उसने 14 बैंक देखे और हर बैंक के पास कितना था, 50 करोड़ रुपया था। तो उसी के तहत उसने क्या कर दिया, 14 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। तो लिख सकते हो कि 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड ऑन 19 जुलाई 1969 विथ 50 करोड़ कैपिटल। और ये हमारा क्या था उस समय का न्यूज़पेपर था जहाँ पर दिया था, ये देख लीजिए, ये जो डेट है वो कौन से तारीख की है, वो है 20 जुलाई की। तो ये एक दिन के बाद आया था। तो 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी ने 14 बैंक को क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। चाहे वो प्यार से बोलो, जबरदस्ती बोलो, किसी भी प्रकार से, क्योंकि उसे क्या था, पैसों की रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए उसने क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। अब ये नेशनलाइज हुआ तो आगे क्या हुआ, कहानी चलती गई किसी प्रकार से, पटरी दौड़ती रही। 1971 का हमने फिर से इंडो पाकिस्तान वॉर देख लिया, और उसके बाद आपको पता है कि बांग्लादेश एक नया देश बन गया। अब उसी पे एक पिक्चर भी आने वाली, सैम बहादुर, उस समय हमारे आर्मी हेड हुआ करते थे सैम मानेकशॉ, तो उन्हीं पे एक पिक्चर है कहानी। अब आगे जाके 1973 में वो क्राइसिस हो गया, फ्यूल क्राइसिस, ये भी महंगा हो गया। फिर धीरे धीरे इंदिरा गांधी जी थोड़ी सी डोमिनेंस करने लगी, तो इनके खिलाफ क्या चलाया गया, एक मूवमेंट चलाया गया, जैसे बोलते हैं जेपी मूवमेंट। जैसे 2013 में अन्ना हजारे मूवमेंट आया था, उसी प्रकार से जेपी मूवमेंट आया। तो 1975 25 जनवरी तो मूवमेंट के दौरान ही इंदिरा गांधी ने क्या लगा दिया, पूरे देश में एमरजेंसी लगा दिया कि कोई भी सरकार के खिलाफ ज़्यादा क्या करे, प्रोटेस्ट ना कर पाए। और जब प्रोटेस्ट ज़्यादा ना कर पाए तो कहीं ना कहीं पूरा कंट्रोल किसके हाथ में आ गया, सरकार के आ गया, और सरकार ने धीरे धीरे रेगुलेट करना शुरू कर दिया। और उसके बाद 1977 तक ये इमरजेंसी चली, 2 साल तक चली इमरजेंसी, और उसके बाद इनकी सरकार गिर गई। ये चुनाव होने के बाद नई प्रधानमंत्री बने, उनका नाम था मोरारजी देसाई, बट ज़्यादा लंबे समय तक ये नहीं थे। 1979 में इनकी भी सरकार गिर गई और अगले प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। इन्होंने किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया था, इसीलिए 23 दिसंबर हर साल क्या बनाओगे आप लोग, नेशनल फार्मर डे बनाओगे, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, 24 जनवरी अलग था और 23 दिसंबर क्या बनाते हैं, नेशनल फार्मर डे। तो प्रधानमंत्री कौन थे, चौधरी चरण सिंह, ओके। अब इनकी भी सरकार ज़्यादा चली नहीं, 1980 में दोबारा देश में इलेक्शन कराना पड़े। तो लोगों ने बोला कि ये लोग सरकार 5 साल चला नहीं पाते, इंदिरा गांधी जैसी भी थी कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रोल करके रखा था। तो फाइनली लोगों ने इंदिरा गांधी को वापस जिताया। अब वो बोले कि हम आए हैं तो धमाल तो मचाएंगे ही। तो 15 अप्रैल को क्या कर दिया उसने, 6 बैंकों को देखा, हर बैंक के पास कितने पैसे थे, 200 करोड़ रुपया थे, और उनको भी क्या कर दिया, नेशनलाइज। तो ये 14 बैंकों की लिस्ट है, इनको नोट डाउन कर लेंगे सब लोग, या स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये है 6 बैंकों का, इनको नोट डाउन कर लेंगे। तो ये हुआ था 19 जुलाई 1969, ये डेट लिख लेना, 19 से 19 याद कर लेना। और ये था 15 अप्रैल, इस बैंक के पास कितना पैसा था, 50 करोड़ रुपीस, और यहाँ पर हर बैंक के पास कितना पैसा था, 200 करोड़। तो 14 बैंकों के नाम देख सकते हो, अलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक। यूको बैंक का मतलब होता है यूनाइटेड कॉमर्स।
यूनियन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। अब जो छह बैंक बाद में हुए थे 15 अप्रैल 1980, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेट बैंक, आंध्रा बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई अपना कब बना था?